हाय फ्रेंड, आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन बिरयानी। देखिए, 500 ग्राम चिकन लिए हैं, 200 ग्राम दही लिए हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट, धनिया पत्ता है, ये पुदीना है, ये बिरयानी मसाला है, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, ये देखिए घी है, ये केवड़ा वाटर है, ये देखिए ये नींबू लिए हैं, आधा नींबू लिए हैं, जीरा, लौंग है, 3 छोटा इलायची है, दालचीनी है, ये देखिए प्याज है, 5 प्याज हम बारीक काट लिए हैं, इसको क्रिस्पी बनाएंगे। ये देखिए 200 ग्राम चावल है, अच्छा क्वालिटी वाला बासमती चावल 200 ग्राम है। चलिए अब हम चिकन मैरिनेट कर लेते हैं। मैरिनेट करके 1 घंटे के लिए रखेंगे। देखिए अब चिकन हम इसमें डालेंगे प्लेट में। इसमें हम देखिए ये अदरक लहसुन का पेस्ट हम पूरा डाल देंगे, 2 चम्मच है बड़ा चम्मच से। ये बिरयानी मसाला पूरा डाल देंगे। ये हल्दी मिर्चा पाउडर ये भी डालेंगे। ये पुदीना डाल देंगे। ये दही है हमारा 200 ग्राम, ये भी पूरा डाल देंगे। चलिए इसको हम मिक्स करके 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। इसको हम अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेते हैं, चम्मच से अच्छे से मिक्स नहीं होता है, इसीलिए हमको हाथ से करना पड़ रहा है। देखिए मसाले मिक्स हो गया है, देखिए कितना अच्छा कलर आया है। अब इसको हम ढक के रख देंगे 1 घंटे के लिए। चलिए अब हम प्याज को क्रिस्पी कर लेते हैं। अब हम कढ़ाई गैस पे बिठाएंगे। देखिए अब हमारा कढ़ाई गरम हो चुका है, अब हम इसमें तेल डालेंगे। इसमें तेल थोड़ा ज्यादा डालेंगे, ये भी हमारा प्याज अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। चेक कर लेते हैं, चलिए हमारा तेल गरम हो हुआ है या नहीं। हमारा तेल गरम हो गया है, अब हम पूरा इसमें डालेंगे प्याज। देखिए इसमें हम प्याज डाल के पूरा अच्छे से क्रिस्पी करेंगे। देखिए इसको हमको चलाना है, बार बार इसको चलाना है, अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। इसको चलाते रहे बार बार, इस चलना नहीं चाहिए। हल्का हल्का हो रहा है, देखिए ब्राउन कलर हल्का हल्का हो रहा है, लेकिन इसको क्रिस्पी करना है एकदम से। 5 मिनट में हो जाएगा, ये भी क्रिस्पी हो जाएगा 5 मिनट में। देखिए देखिए हमारा प्याज क्रिस्पी हो चुका है, थोड़ा सा बाकी है, 1 मिनट में ये भी हो जाएगा, तब हम इसको तेल से बाहर निकाल देंगे। देखिए हमारा प्याज क्रिस्पी हो गया है, अब इसको हम निकालेंगे तेल से बाहर। देखिए अब इसको हम निकाल लिए तेल से बाहर। देखिए निकाल लिए हैं इसको, अब हम इसको 10 मिनट तक ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के लिए 10 मिनट रख दिए हैं। चिकन को भी हो गया है 40 मिनट तक मैरिनेट करते हुए। देखिए अब चावल को हम धोकर
इसको अच्छे से धुल कर पानी में भिगो के 15-20 मिनट के लिए रखेंगे। पहले तब तक हम चावल भिगो के रख दिए हैं। 20 मिनट के बाद हम बिरयानी बनाना चालू करते हैं। देखिए चावल भिगो के रखे थे, 20 मिनट हो चुका है, अब हम बिरयानी बनाते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले हम पानी उबालने के लिए रखेंगे। देखिए इसमें अब हम दालचीनी डालते हैं, इलायची, देखिए इसमें अब लौंग डाल रहे हैं। देखिए उबाल आ रहा है, तब तक हम इधर चिकन को पकाते हैं। इसको गरम होने देंगे। देखिए इसमें अब हम तेल डालेंगे, जो प्याज फ्राई किए थे वही वाला तेल है, इसमें हम डालेंगे। इसको गर्म होने देंगे तेल को। ये हम इलायची 2 डाल रहे हैं, लौंग, ये दालचीनी है, ये तेजपत्ता है। देखिए इसमें अब हम प्याज डालेंगे। इसको हम ब्राउन कलर तक पकाएंगे। देखिए इधर तब तक फ्राई हो रहा है, तब तक उधर हमारा पानी उबल गया है। इसमें अब हम चावल डालेंगे। देखिए इसमें अब हम चावल डालते हैं। इसको 60-70% पकाना है, पूरा इसको नहीं पकाना है। देखिए हमारा प्याज फ्राई हो चुका है, इसमें अब हम मैरिनेट चिकन डालेंगे। देखिए इसको हम आराम आराम से पकाते रहेंगे। देखिए इसमें हम थोड़ा तेल डाल दे रहे हैं 2 चम्मच, क्योंकि हमारा चावल चिपके ना। देखिए इसको भी हम बार बार चलाते रहेंगे। इसको हम ढक दे रहे हैं। अब चावल की तरफ चलते हैं। चलिए अब हम चेक करते हैं चावल को, ओके या नहीं। देखिए हमारा चावल हो चुका है, एकदम बीच से टूटना चाहिए। बीच से टूट जाएगा तो आप समझिए चावल हो चुका है। देखिए अब हम गैस को बंद कर दे रहे हैं, हमारा चावल हो चुका है। तो देखिए अब इसको हम पानी से निकाल देते हैं। देखिए इसको अब हम पानी से निकाल लेंगे। देखिए चावल को पानी से निकाल लिए हैं। देखिए कितना अच्छा खिला खिला चावल हुआ है। चलिए अब हम चिकन की तरफ चलते हैं। देखिए इसमें हम थोड़ा नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। देखिए नमक डालेंगे, इसको और 5 मिनट तक पकाएंगे।
देखिए इसको अब हम ढक लेते हैं और थोड़ा आटा हम गूंथ लेते हैं इसको दम करने के लिए। चलिए हमारा चिकन हो गया है, अब इसको हम लेयर करते हैं। थोड़ा प्याज डालेंगे, इसमें हम पुदीना डालेंगे, धनिया पत्ता। देखिए इसमें हम चावल डालेंगे, चारों तरफ फैला के हम चावल डालेंगे इसमें। देखिए ये हमारा चावल क्लियर हो गया है, फिर हम डबल वैसे प्याज पुदीना धनिया पत्ता, इसमें थोड़ा शुद्ध घी, दो चम्मच, फिर वापस ये चावल डालेंगे। देखिए हम पूरा चावल डाल देंगे इसमें। अब इसमें फिर देखिए प्याज पुदीना धनिया पत्ता फिर थोड़ा शुद्ध घी, नीचे दो चम्मच डाले हैं, ऊपर भी दो चम्मच डाल दिए शुद्ध घी। शुद्ध घी डालने से हमारा चावल ड्राई नहीं होता है। देखिए इसमें हम नींबू का रस डालेंगे, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट केवड़ा वाटर ये डालेंगे। देखिए हम इसमें केवड़ा वाटर डाल रहे हैं, देखिए इसको हम दम करने के लिए आटा लगाएंगे। देखिए ऐसे देखिए आटा लगा दिए हैं, अब इसको ढक दिए। हम ये क्यों आटा लगाते हैं कि इसको अंदर का भाप ना निकले, इसीलिए देखिए इसको अब करके दबा देंगे कि आटा से चिपक जाए हमारा प्लेट। देखिए हो गया, इसको हम 10 से 15 मिनट तक धीमी आंच पे पकाएंगे। चलिए अब हमारा 10-15 मिनट हो चुका है, अब हम इसको चेक करते हैं। सबसे पहले हम गैस को बंद करेंगे, तब इसको हम चेक कर रहे हैं। देखिए इसको हम चाकू के सहारे खोलेंगे, देखिए ऐसे करके देखिए हमारी कितना अच्छा कलर आया है। इसको हम चेक करेंगे हुआ या नहीं, इसको ऐसे चेक करेंगे। देखिए चलिए देखिए चेक करते हैं, वाह कितना अच्छा कलर आया है, टेस्टी बना है। देखिए एक बार आप भी बनाकर ट्राई करें। देखिए पीस भी हो चुका है, इसको हम प्लेट में निकालते हैं। देखिए मैं प्लेट में निकाल दी हूँ। मैं ऐसा करती हूँ कि आप लोग का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोग भी ऐसा बनाइए और ट्राई करिए। तब तक के लिए धन्यवाद, लाइक शेयर।